Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने इंडस्ट्री को कई बेहतरीन फिल्में दी। काई पोचे से लेकर छिछोरे तक उनकी ज़्यादातर फिल्में हिट रही। पैसों और काम की कमी नहीं होने के बावजूद उनका यूं सुसाइड कर लेना लोगों के गले नहीं उतर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि छिछोरे के बाद सुशांत के पास कई फिल्मों के ऑफर्स थे, लेकिन एकाएक उनके हाथ से ये सारी फिल्में चली गई थी। सुशांत के काम के मामले को लेकर फिल्म आलोचक सुभाष के झा ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के पास कई फिल्मों के ऑफर्स थे, लेकिन वे खुद ही सबको रिजेक्ट कर रहे थे। फिल्म डायरेक्टर रोमी जाफरी से हुई बातचीत का जिक्र करते उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद सुशांत के साथ उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। सुभाष झा ने एक और बात का खुलासा किया है। वे कहते हैं कि जब सुशांत पाने की तैयारी कर रहे थे और वो नहीं बनी तो उन्हें बाजीराव मस्तानी ऑफर किया गया था। ये बात संजय लीला भंसाली ने मुझे खुद कही थी, लेकिन वो इस फिल्म को नहीं कर पाए। फिर संजय लीला भंसाली ने उन्हें रामलीला के बाद में पद्मावत में रोल ऑफर किया था। आज के समय में संजय लीला भंसाली सबसे बड़े डायरेक्टर हैं और उनकी तीन तीन फिल्म एक्सेप्ट नहीं कर पाए सुशांत। इसके बाद इस बात में कहां तक दम है कि इंडस्ट्री में लोग उन्हें बायकॉट कर रहे थे। सुशांत सुभाष झा के साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे, लेकिन पिछले एक साल और उनकी बातचीत नहीं हो रही थी। सुभाष बताते हैं कि छिछोरे फिल्म के बाद से उन्होंने बातचीत लगभग बंद कर दी थी और ये बात केवल उनके साथ ही नहीं थी, जो भी लोग उनके साथ जुड़े थे वे सब कट गए थे और उनके इस बिहेवियर का किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इससे पहले वो बहुत बात करते थे, तरह तरह के प्लान बनाते थे। उनको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, उनके इंटरेस्ट फिल्म से आगे रहा करती थी। पिछले एक साल के अंदर उन्हें साइकोलॉजिकल कुछ डेवलपमेंट हुई, कुछ बातें हुई उनके साथ अंदर ही अंदर। इसके लिए किसी को ब्लेम करना सही नहीं होगा। वो फ़ोन नहीं उठाते थे, फ़ोन करते नहीं थे, फ़ोन नंबर बदल लेते थे। मैंने जब ये बदलाव देखा तो पूछता रहा जिन जिन को वो जानते थे उनसे। उन लोगों की भी यही शिकायत थी कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते थे। तो आखिरकार जब ऐसा मामला नहीं था तो सुशांत सिंह ने आत्महत्या क्यों कर ली? ये सवाल अभी भी घेरे में बनकर बने पड़े हैं और आने वाले समय में देखते हैं कि क्या ऐसा कारण रहा होगा जिसके बाद से सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।